देश में कोरोना महामारी ने हर किसी को तोड़कर रख दिया है। लगातार मौत हो रही है क्योंकि बेकाबू कोरोना की ये लहर किसी को भी बख्श नहीं रही। हालांकि ये उम्मीद बरकरार है जब रोशनी लौटेगी तो पूरा देश एक बार फिर जगमगा उठेगा। लेकिन अब ये निर्भर करता है हमारे जीने के नए तरीके पर। हम कितने पुरजोर तरीके से इस वायरस से लड़कर हराकर फिर से इस खूबसूरत दुनिया को बैक टू नॉर्मल बना पाते हैं, क्योंकि अभी साल के सिर्फ 4 महीने खत्म हुए हैं, कोरोना वायरस नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र का सच और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। ये सच है कि कोरोना तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन सामाजिक संबंधों और जीवन के मूल्यों पर जो जख्म दे गया उसे उभरने में लंबा वक्त लगेगा और इसी के प्रति हम सबको संभल कर रहना होगा, क्योंकि कोरोना का जो विकराल रूप देश पर कहर बरपा रहा है किसी से छिपा नहीं है। जब कोरोना 2020 में आया था तो लोकतंत्र पर लगातार जुबानी हमलों के साथ साथ प्रतिरोध देखने को मिलता रहा, संसद तक मौन रही। लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना ने सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को बुरी तरह से आहत किया है। बंगाल की विशाल चुनावी रैलियां हो या हरिद्वार कुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़, चैत्र नवरात्रे में माता दुर्गा के स्वागत की धूम हो या रमजान में खरीदारी की चहल पहल, लगता है कि कोरोना के कहर को हम सभी बुरे सपने की तरह भूलना चाहते हैं। पर वैक्सीन आने के बाद कोरोना महामारी सुरसा के मुंह की तरह हर इंसान के सामने खड़ी है। मौजूदा समय में कोरोना की ये दूसरी लहर चल रही है, जबकि तीसरी अभी आनी बाकी है। और इन सब के बीच ये भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले वक्त में चौथी लहर से वंचित रह सकता है। तो ऐसे में सरकारें खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर इस कोरोना से कैसे निपटा जाए। कोई भी बीमारी मामूली तौर पर स्वास्थ्य संबंधी संकट होती है, लेकिन कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी तो उससे बहुत आगे जाकर हमारे लोकतंत्र, समाज, संस्कृति और जीवन के सभी पहलुओं को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जैसे तैसे बिहार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस बार बंगाल चुनाव के रंग ने तो सरकार की जनता की तरफ से नजरें ही हटा दी। वो अपने बंगाल चुनाव में मस्त रही और जनता कोरोना से पिसती रही। लिहाजा बंगाल चुनाव के दौरान सरकार ने जनता के सामने ये साबित कर दिया कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। पिछले साल ये दिन, ये महीने और ये वक्त ऐसा था कि देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि ना जाने कितनी इंसानी जिंदगियों को तबाह कर गए थे। सो आज देश का उससे ज्यादा बुरा हाल है। जानकारों की बात जब तीसरी लहर को लेकर होती है तो वो और भी डरा देती है। साल 2020 ने हमें पूरी एक सदी का सबक दे दिया था, लेकिन हमारे हुक्मरान फिर भी नहीं संभले। 2021 आते आते वो कोरोना पर इतना भरोसा कर गए कि जैसे कोरोना अब कभी नहीं लौटेगा, लेकिन हुआ क्या, उसकी एकदम उलट। अब लोकतंत्र के सच में सवाल देश की जनता से भी है। सवाल ये कि क्या किसी ने समझा कि प्रकृति का महत्व क्या है, जबकि सही मायने में हमने जान की कीमत को समझा, हमने जाना कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है और अपनों के करीब होने का सुख क्या होता है। लेकिन ये सारा अनुभव तभी संभव है जब तक हम जिंदा हैं और जिंदा जब रहेंगे जब प्रकृति से समझौता करेंगे। एक लोकतंत्र का सच ये भी है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव समेत कई राज्यों में पंचायत चुनावों की गूंज रही है, जिनमें मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का पालन कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। भारी मतदान इसका उदाहरण है कि हमारे लोकतंत्र का जुनून कोरोना के हमले को अप्रभावकारी करने पर आमदा है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। पर जान लीजिए, इसकी कीमत बेहद भयानक है। 2021 में कोरोना की इस महामारी के बीच लोकतंत्र का सच ये भी है कि पिछले साल हमारा ध्यान केवल आर्थिक मंदी, मजदूरों और गरीबों की बदहाली पर गया था, क्योंकि आर्थिक संकटों को सहने का तो हमें अनुभव सा हो चुका है। पर कोरोना के पिछले हमले से
देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पारिवारिक वातावरण को तो चुनौती दी ही है, साथ में आपसी भाईचारे, रिश्तेदारी और सामाजिक बढ़ावे पर भी कहीं ना कहीं गहरी चोट दे मारी है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। आज लोकतंत्र के सच में बस इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, मास्क पहनिए, हाथों को सैनिटाइज करिए और जो गाइडलाइंस लगातार सरकार द्वारा आप लोगों के लिए जारी की जा रही है उसका पालन जरूर करिए।